हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे और हम भी आपकी ब्लेसिंग से बहुत मस्त हैं, मजे में हैं और बहुत खुश हैं। तो चलिए मेरे किचन में हमेशा की तरह वेलकम टू रॉस रॉयल किचन। तो आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बर्थडे स्पेशल कॉम्बो डिज़र्ट। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी कस्टर्ड रस्क केक विथ आलमंड्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊँगी शुगर सिरप। उसके लिए लूँगी मैं पैन, हाफ ग्लास जितना वाटर, एक कटोरी शुगर। इसको कंटिन्यूसली हम स्टर करेंगे, उसके बाद में एक उबाल आने देंगे। उसके बाद में इसमें हाफ टी स्पून जितनी इलायची पाउडर ऐड करूँगी और थोड़ा सा फूड कलर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हो। देखिए मेरी चाशनी बनके बिल्कुल रेडी है। अब मैं लूँगी यहाँ पे एक पैन, उसमें मैं डालूँगी 500 ग्राम जितना दूध। दूध में बिल्कुल उबाल आना चाहिए। अब हम इसमें देखो उबाल आ गया है। जब तक मैं यहाँ पे घोल रेडी करूँगी कस्टर्ड का, देखिए यहाँ पे 2 चम्मच जितना कस्टर्ड लिया है और 2 चम्मच जितना मैं कॉर्न स्टार्च लूँगी। कॉर्न स्टार्च से हमारे केक की जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ही बढ़िया आती है फ्रेंड, और बहुत ही डिलीशियस लगती है। देखिए यहाँ पे मैंने इसका घोल रेडी किया है, थोड़ा सा ठंडा मिल्क डाल के। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए बिल्कुल, और एक चीज़ के इसमें दूध में डालते जाना है, दूध को अच्छे से इसको चलाते जाना है, ये ही मेन चीज़ है कस्टर्ड मिल्क की। आपको ये स्टेज पे बिल्कुल रुकना नहीं है, कंटिन्यूसली इसको स्टर करना है। देखिए बिल्कुल लम्स नहीं पड़ने चाहिए, देखिए गाइस लम्स नहीं है ना, बिल्कुल क्रीमी लग रहा है ना, बस इसी टाइप का होना चाहिए। अब हम इसमें यूज़ करेंगे फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूध की मलाई यूज़ कर सकते हो, उसको थोड़ा सा फेंट लीजिएगा, उसके बाद उसमें ऐड कर देना। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए हमारा कस्टर्ड मिल्क यहाँ पर रेडी हो रहा है। हमें ये इतना गाढ़ा चाहिए कि हमारे रस्क पे से ये बहे ना। देखिए यहाँ पे मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बता देती हूँ, मैं एक चम्मच की मदद से आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगी। देखिए इस टाइप की ही चाहिए हमें कंसिस्टेंसी। देखिए यहाँ पे हमारा कस्टर्ड क्रीम बिल्कुल रेडी है। अब हम जाएंगे हमारे केक को सेट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 प्लेट में रस्क, क्रश बादाम और केसर, और यहाँ पे हम लेंगे अभी ग्लास ट्रे, उसमें हम अपने रस्क को सेट करेंगे। आपके पास कोई भी हो आप ले सकते हो ग्लास ट्रे। अब हम इसमें डालेंगे शुगर सिरप, हमारे रस थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और स्वीटनेस आ जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड क्रीम, इसी तरीके से हम पूरा सेट कर लेंगे। उसके ऊपर डालेंगे क्रश्ड आलमंड, फिर हम दूसरी लेयर तैयार करेंगे इसी टाइप से। इसमें हम डालेंगे शुगर सिरप, फिर से हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड क्रीम, फिर से हम गार्निश करेंगे क्रश बादाम और थोड़ा सा केसर। देखिए अब हम इसको 2 आवर्स के लिए फ्रिज में सेट करने के लिए रखेंगे। जब तक ये हमारा केक सेट हो रहा है तब तक हम दोहरा केक बनाएंगे। उसके लिए लेंगे हमें बॉल, 1 कप मैदा, 1/2 कप जितनी शुगर पाउडर, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच जितना हनी, शहद, अब थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम बैटर रेडी करेंगे। देखिए हमारा बैटर बिल्कुल इस तरीके से हमें रेडी करना है, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के, क्योंकि इसमें लम्स पड़ जाते हैं मैदा में बहुत जल्दी, तो मैदे को हमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के ही बैटर रेडी करना चाहिए, तो लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ते। देखिए हमें इस तरीके की कंसिस्टेंसी मिलनी चाहिए। घोल हमारा पैन में बिल्कुल अपने आप ही फैले, हमें चम्मच लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अब हम लेते हैं पैन, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे, टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेंगे, उसके बाद हम बैटर डालना स्टार्ट करेंगे, हमारा दोहरा केक बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए अब हम थोड़ा सा उसको ढक देंगे। अब मैं इसको पलटूंगी। अब देखो मैंने दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल दूंगी, आपको मैं चेक करा देती हूँ दोनों तरफ से। देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना, बस इसी टाइप से हमारे दोहरा केक रेडी करने हैं।
और देखिए हमारा बैटर ऐसा होना चाहिए, पैन में अपने आप स्प्रेड होना चाहिए, देखिए इसी टाइप से। तो बहुत ही अच्छे आपके दोरा केक बन के रेडी होंगे। हम इसी टाइप से सभी दोरा केक को बना लेंगे। अब हम इसमें चॉकलेट स्प्रेड करेंगे। देखिए कितना यमी लग रहा है ना, कलर भी कितना यमी है और कितना सॉफ्ट बना है। अब मैं इसको काट के दिखाऊंगी आपको। देखिए मेरे काटने पे से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मेरे दोड़ा केक कितने सॉफ्ट बने हैं। आप ऐसे ही मेरी मेथड से बनाइए दोड़ा केक, बहुत ही ज़्यादा यमी और डिलीशियस बनेंगे गाइस। देखिए मैं आपको बीच में से दिखा देती हूँ, चॉकलेट कितनी अच्छी लग रही है ना बीच में, देखिए बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में भी, बहुत ही ज़्यादा यमी लगते हैं ये। देखिए दोरा केक बन के रेडी है। जब तक हम केक चेक कर लेंगे, देखिए मेरे 2 आवर्स हो चुके हैं, केक बिल्कुल सेट हो चुका है। अब मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। देखिए गाइस कितने अच्छे से कट हो रहा है ना मेरा केक, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बना है। देखिए मैं आपको पीस निकाल के दिखाती हूँ। देखिए गाइस कितना यमी बना है, देखिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना है गाइस, और टेस्ट में भी लाजवाब है ये। देखिए मेरा केक है, मेरे दोरा केक है और मेरे कप केक है। अगर आपको कप केक की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती थी इसलिए मैंने कप केक की रेसिपी नहीं डाली है। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। याऊ दोड़ा केक कैसा लगा आपको? यम्मी। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।